अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सारा फारूक और यकीनन आप खैरियत से होंगे। और आज जो मैं दो प्रोडक्ट लेके आई हूँ वो हैं सॉफ्ट टच वालों के, एक है शाइनर और दूसरा है ये सॉफ्ट यानी सॉफ्ट टच वालों का सॉथिंग लोशन। ज़्यादातर खवातीन को पता नहीं होता कि इसको हम किस तरह इस्तेमाल करें, वो सिर्फ यही जानती हैं कि इसको सिर्फ ब्लीच और फेस पॉलिश में ही इस्तेमाल किया जाता है। अब क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दी में तो हम इसको यानी रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छा। तो ये जो दो ये प्रोडक्ट है इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं और इसके इस्तेमाल करने से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर होती है। और जो आप इसका सॉफ्ट टच का ये शाइनर है, ये शाइनर हमारी स्किन के अंदर से जो भी डस्ट वगैरह होती है उसको साफ़ करती है, हमारे रंग को फेयर करती है। और इससे शाइनर के अंदर यानी हमारे जो है इसके अंदर लेमन है, ग्लिसरीन है और एलोवेरा जेल है और इसके अंदर रोज़ वाटर भी यही शामिल है। जब ये चीज़ हमारी स्किन के अंदर ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल है, ये हमारे रंग को बहुत ज़्यादा फेयर करती है। और इसका जो ये सॉथिंग लोशन है ये सिर्फ ब्लीच में इस्तेमाल नहीं होता, आप इसको यानी जो चीज़ें हैं आप इसके अंदर इसको क्लीजिंग के अंदर स्क्रब के अंदर में भी यूज़ कर सकते हैं, मसाज के अंदर भी मिला के आप इसको यूज़ कर सकते हैं फेशियल के अंदर। तो अगर इस सॉथिंग लोशन को अपने फेशियल में इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारे फेशियल का रिजल्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। और इसको हम अपने रेगुलर इस्तेमाल भी करेंगे तो इससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हमारी स्किन जो है वो टाइट हो जाएगी। और इसके इस्तेमाल करने से हमारे जो पोर्स होते हैं वो लॉक हो जाते हैं यानी शिलिंग हो जाते हैं। इस सॉथिंग लोशन को इस्तेमाल करने से हमारी स्किन के अंदर जो मैल कुचल और डस्ट होती है वो उसको साफ़ करके हमारे पोर्स को शिलिंग कर देता है यानी बंद कर देता है। और इसके सूथनिंग लोशन का मतलब होता है यानी सूथनिंग का मतलब होता है हमारी यानी स्किन को ठंडा रखना, यानी हमारी स्किन को ये ठंडा रख कर रखेगा और हमारी स्किन को सुकून यानी देगा, यानी इसके इस्तेमाल से हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत और टाइट होगी और हमारे जो मसाम होते हैं उनको शिलिंग करेगा। तो गाइस ये दोनों प्रोडक्ट होते हैं बहुत ही यूज़फुल हैं और इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसको हम अगर यूज़ करेंगे। और क्योंकि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में हम दोनों इन दोनों प्रोडक्ट्स को अपने रेगुलर इस्तेमाल में जैसे लेंगे तो इससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा खूबसूरत और यानी टाइट होगी और जो हमारी बेजान जो रूखी जल्द होती है उसको खूबसूरत बनाएगी। और ये बहुत यूज़फुल हैं, बहुत यानी सस्ते प्रोडक्ट हैं। तो अब मैं आपको इसके जो शाइनर है उसका यानी बताती हूँ तरीका किस तरह इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस ये सॉथिंग लोशन है और ये जो इस तरह का ये है ये मैं अपने हैंड से काट के दिखाती हूँ। और जो इसका ये टेक्सचर है इस तरह जेल फॉर्म में है और आप इसके जो जितने भी इसके यानी जो बेनिफिट है वो इधर इसके बैक साइड पे मेंशन हुए हैं कि आप सॉथिंग लोशन यानी ये शाइनर जो इसको आप अपने कॉटन से लेके इसको इस तरह अपने फेस के ऊपर लगाएं इस तरह करके। तो इस तरह लगाने से हमारी स्किन के अंदर बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा और जितने भी हमारी स्किन के अंदर डस्ट वगैरह है वो उसको रिमूव करेगा और इससे हमारे फेस के अंदर जो यानी शाइनिंग आएगी और हमारी स्किन को चमकदार और खूबसूरत बनाएगा। इस तरह आप उसको लगा के और आप इस तरह इसको लगा के 5 से 10 मिनट छोड़ दें और फिर अपना फेस वॉश कर लें तो इससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा नरम मुलायम और खूबसूरत हो जाएगी। और जितनी भी हमारी स्किन के अंदर जो मैल कुचल डस्ट वगैरह ढेर से ढेर जो हमारे होते हैं और जो सेंसिटिव स्किन होती है वो भी साफ और सही हो यानी खूबसूरत हो जाती है। स्किन शाइनर जो है ये फेस पे लगाते हैं तो इससे हमारी जो फेस के ऊपर यानी पिगमेंटेशन जो हमारी स्किन पे हो रही है लाइंस वगैरह या हमारे दाग धब्बे उन सबको ये बहुत अच्छी तरह कवर करती है, उनको बहुत अच्छी तरह रिमूव भी करती है। और अब मैं आपको इसके स्किन शाइनर को आप रात को सोते हुए अपने फेस पे लगा एक हफ्ते तक इस्तेमाल करेंगे आपको तो वाकई कहेंगे वाकई में ये जो है स्किन शाइनर हमारे फेस को बहुत ज़्यादा फेयर कर रही है और बहुत ज़्यादा हमारी स्किन को यानी खूबसूरत बना रही है। आप खुद वाकई में कहेंगे कि बहुत अच्छा यानी स्किन शाइनर बहुत हमारी स्किन के लिए बेहतरीन है। तो आप इसको रोज़ाना रेगुलर रात को सोते हुए अपनी स्किन के ऊपर लगाएं और सुबह उठ के आप कोई से भी अपने सोप वगैरह से यानी अपने फेस को वॉश कर लें। इसके बेनिफिट बता दिए और मैंने आपको बताया था इसको कॉटन से भी हम अपने फेस पे लगा के साफ कर सकते हैं। और वैसे और अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करें तो आप रात को सोते हुए इसको अपने यानी फेस के ऊपर अच्छी तरह लगा के इसका हम जो थोड़े 2 से 3 मिनट इसका मसाज करें, मैं आपको करके दिखाती हूँ इस तरह ये कि इसका हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह मसाज करेंगे। और इसको अच्छी तरह हम अपने पूरे फेस पर अच्छी तरह इसका मसाज करेंगे ताकि हमारे स्किन के अंदर जो भी यानी धूल मट्टी है और जो भी हमारे स्किन के अंदर प्रॉब्लम है वो सब सही हो जाएगी। अगर आपके पिंपल वगैरह वगैरह हो रहे हैं तो वो भी आपकी इस्तेमाल करने से
वो भी आपके सही हो जाएंगे। एक हफ्ते तक आप रेगुलर इसका इस्तेमाल करें तो आपको कहेंगे वाकई में बहुत अच्छे ये प्रोडक्ट हैं सॉफ्ट टच के। सो आप सॉफ्ट टच के ले लें या कोई और दूसरी कंपनी के, यानी ये शाइनर और सोथिंग लोशन लेके आप रेगुलर इस्तेमाल करें। और सर्दियाँ, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा आपको इसके फ़ायदे यानी मिलेंगे लगाने से। और जिनकी यानी नेक वगैरह से ब्लैक हो रही होती है या हाथ वगैरह होते हैं हमारे उंगलियों के जो पौड़ी होते हैं फिंगर्स के बोल के एल्बो के जो होते हैं ये ब्लैक होते हैं इस वहाँ पे उसको भी यूज़ करेंगे तो उससे भी हमारे स्किन यानी बहुत ज़्यादा साफ चमकदार और फेयर होगी। आप गर्दन पे लगाएं, पीछे नेक पे लगाएं, इससे भी यानी हमारी बहुत स्किन जो है साफ होगी। और ये हो गया, मैं आपको कॉटन से साफ करके दिखाती हूँ कि अंदर से किस तरह जो है ये हमारी स्किन को साफ करता है। और आप देखोगे स्किन देखो कैसे यार। साफ होती है, निकल के आ रही है। और आप देख सकते हैं स्किन पे से देखें किस तरह से इसने डस्ट साफ की है। और रेगुलर में इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारी स्किन यानी साफ और फेयर होगी। और ये लगानी है फिर आप सोथिंग लोशन जो है इसको भी, आप सोथिंग लोशन को भी आप लगाएं। शाइनिंग लगाने के बाद सोथिंग लोशन अपने फेस के ऊपर लगाएं, इसका भी हम 2 से 3 मिनट मसाज करेंगे। ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा यानी सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा और खुशबू बहुत ज़बरदस्त है इसकी, और हमारी स्किन को ठंडा यानी रखता है, जो हमारे चेहरे की फेस की जो हीट होती है उसको कम करता है, उसको ठंडा करता है। जिनके यानी पिंपल वगैरह हो जाते हैं, पिगमेंटेशन जो होती है जिनकी स्किन, वो लोग भी अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हो सके इसे ब्लीच करने के बाद स्किन बहुत ज़्यादा हीट होती है, रेड हो जाती है, तो अब ब्लीच करने के बाद ये आप ये सोथिंग लोशन लगाएं तो इससे हमारी स्किन बहुत जल्दी यानी नॉर्मल हो जाती है, और जो हीट पना होता है, जलन सोजिश हो रही होती है, वो भी बहुत आसान यानी ठीक हो जाती है, और हमारी स्किन जो बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करती है। और आप देख लोगे स्किन, ये देखें मैं इस्तेमाल करूँ तो मेरे फेस कल से दिखाती है, स्किन देखो कितनी साफ और स्मूथ लग रही है। अगर आप ब्लीच कर रहे हैं घर के अंदर ही तो आप ब्लीच के अंदर ही शाइनर यानी आधी चम्मच मिला लें और आधी चम्मच ही आप सोथिंग लोशन मिलाएं ब्लीच के साथ ही, और फिर इसको पेस्ट बना के लगाएं तो आपको उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। ये देखें स्किन कितनी साफ सुथरी हो गई है, जब इसको 1 हफ्ते का इस्तेमाल करेंगे तो उससे ज़्यादा हमें और बेहतर नतायज मिलेंगे। गाइस, ये मैंने दोनों प्रोडक्ट के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से बता भी दिया, इसका इस्तेमाल भी बता दिया आप किस तरह कर सकते हैं, और इसके आप बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदे उठा सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, बहुत सस्ते हैं। ये कम एक जो बोतल मैंने लिया कम से कम 140 रुपये की ली है मैंने, परचेज़ की है, तो 200-280 रुपये में आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, किसी भी मेकअप शॉप से आपको मिल जाएंगी, आप जाके ले लें परचेज़ कर लें। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये दोनों प्रोडक्ट के बारे में जो वीडियो मैंने बनाई है पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को बहुत बहुत ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।